एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेहा कक्कर इंस्पायर्ड लुक जो उन्होंने अपने रीसेंट सॉन्ग में किया है, जो है डायमंड द छल्ला। गाइस, आई जस्ट लव लव द सॉन्ग। और जो उनका ड्रेस है और जो उनका मेकअप है एंड जितने भी उन्होंने ड्रेसेस पहने हैं, जो इतने ज़्यादा पसंद आए, सो आई थॉट कि मैं उनका एक लुक क्रिएट करती हूँ। और मैंने उनका जो ब्लैक सूट लुक वाला लुक है, ब्लैक सूट वाला लुक है विद द बोल्ड स्मोकी आईज, मैं वो करने वाली हूँ। तो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी निविया सॉफ्ट की ये क्रीम। अगर आप लोग इस क्रीम को ज़्यादातर वीडियोस में देख रहे हैं गाइस, तो इतनी ज़्यादा पसंद है। मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और ये मेरी स्किन पे इतने अच्छे से काम करती है, तो मैं इस क्रीम को बार बार लगाती हूँ। इसीलिए मैं इस क्रीम को अभी इस ट्यूटोरियल में भी यूज़ कर रही हूँ। तो या मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। गाइस, अगर आप लोग कोई बजट फ्रेंडली कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कंसीलर है गाइस, और इसमें शेड रेंज भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कोई अच्छा कंसीलर ट्राई करना चाहते हैं वो भी बजट में, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। और इसको मैं अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी हमेशा की तरह, जिस तरीके से मैं अपने आईलेट्स को प्राइम करती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि पहले मैं अपना आई मेकअप करती हूँ, और आई मेकअप मैं इसीलिए पहले करती हूँ, आप लोग अपना जो फेस मेकअप है वो भी पहले कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आई मेकअप है वो पहले इसीलिए करती हूँ ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो हमारे फेस पे ना आए, जिससे कि हमारा बेस जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं पहले अपनी आईज़ को कर लेती हूँ। Maybelline फिट मेक है कॉम्पैक्ट के साथ। अगर आप लोग चाहें तो गाइज लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं फिट मेक का या Maybelline का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप लोगों को मिल भी जाएगा। तो अगर आप लोग जो है उनका लुक देखेंगे तो उनके लुक में एक अच्छी सी स्मोकी आई क्रिएट हुई है, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी मेरा LA10 का ये ड्रामा आई काजल। और आई जस्ट लव दिस काजल गाइज। अगर आप लोग ये काजल ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, आई थिंक ये आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। मैंने ये जो है आई थिंक 80 या 90 रुपये में ख़रीदा था एक लोकल स्टोर से। अगर आप लोग चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड काजल गाइज। मैं इस तरीके से रफली एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, क्योंकि इन दी एंड हमें इसको स्मज ही करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से काजल लगाने के बाद गाइज हम एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड इसको हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ अगर आप इसे ब्लेंड करेंगे गाइज, तो जो कलर है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। यूज करूंगी द न्यूड्स पैलेट गाइज, ब्लैक शेड पिक करूंगी गाइज, और इससे मैं हमारा जो काजल है उसको थोड़ा सा हम और बोल्ड करेंगे। शैडो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही कलर लेंगे गाइज हम, बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक आई शेडो, और ब्लैक आई शेडो उसको थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एक साथ ज़्यादा कलर ले लेंगे आईज़ पे तो वो बहुत भयंकर भी लग सकता है। तो या थोड़ा थोड़ा कलर लेके हम इसको अच्छी तरीके से बिल्ड कर लेंगे, और हमने जो काजल लगाया था उसको सेट भी कर लेंगे। शेडो लगाने के बाद गाइज मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, जिससे कि हम अपनी क्रीज जो है उसको डिफाइन करेंगे, अपनी क्रीज लाइन को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से। मैं ब्रश यहाँ रख रही हूँ गाइज, और इस तरीके से अंदर की तरफ हम ड्रैग करेंगे लाइक सो। और इससे आप अपने ब्लैक की जो एजेस हैं उसको भी रिमूव कर सकते हैं, जो भी हार्श लाइन्स अगर बन गई हैं ब्लैक की,
से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ मैंने ऑफ कैमरा जो है लैशेस लगा ली हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इन्होंने उस लुक में लैशेस लगाई हैं या नहीं लगाई हैं। सो आई थॉट मैं लैशेस लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बहुत नेचुरल वाली लैशेस लगाई हैं, क्योंकि आई डोंट नो उन्होंने कौन सी लैशेस यूज़ करी हैं। ये सिर्फ मैं लैश बैंड को थोड़ा सा हाइड करने के लिए लगा रही हूँ। लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ ये वही सेम न्यूड पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से लूँगी ये गोल्डन शेड। अगर आप लोग उनकी पिक्चर देखेंगे गाइज, जो उनके इनर कॉर्नर्स है वो एक गोल्डन शेड से हाईलाइट हो रखे हैं, तो हम भी वही बिल्कुल सेम करेंगे। आई मेकअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है गाइज, लेकिन मैं अपना पहले बेस मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसका मेकअप करेंगे, ताकि वो ख़राब ना हो जाए फाउंडेशन या कंसीलर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरा वाइप की हेल्प से जो है अपने फेस को, इस तरीके से मैं अपने जो फेस पर जितना भी फॉल आउट है और जो भी है उसको क्लीन कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं जो अपने एजेस हैं उनको भी शार्प कर रही हूँ, as you can see guys। इस तरीके से अगर आप लोग ये स्टेप करते हैं तो आपका अगर मेकअप थोड़ा सा ख़राब भी हुआ है कॉर्नर से या एजेस से, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। यूज़ करूँगी ये मेरा ब्लू हेवन का प्राइमर और इससे अपने फेस को प्राइम कर लूँगी अच्छे से, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ओपन पोर्स का इशू। Maybelline Superstay का फाउंडेशन और इसको मैं अपने ऑल ओवर फेस पे स्प्रेड कर लूंगी गाइस। अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करके ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं गाइस, लेकिन आज मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। के बाद मैं यहाँ वही सेम कंसीलर यूज कर रही हूँ गाइस फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। आप लोग देख सकते हैं गाइस जो मेरी अंडर आईज है वो कितनी ब्राइट हो गई है। मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, अगर आप लोग कोई भी स्मोकी आईज क्रिएट कर रहे हैं तो जो आपका अंडर आई एरिया है वो काफी ब्राइट होना चाहिए, ताकि जो आपकी आईज है बहुत पॉपअप करके अच्छे से दिखें। तो इस तरीके से मैंने अपने कंसीलर को यहाँ ब्लेंड कर लिया है और जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे बचा है उसे मैं अपने टी जोन एरिया पे स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो कंसीलर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कंसीलर फेस पे नहीं लगाती हूँ गाइस, क्योंकि ये केकी दिखने लगता है जल्दी ही, इसलिए मैं, और अभी मानसून का सीज़न वैसे है तो इसलिए मैं बहुत कम लगा रही हूँ। नेक पे यहाँ कंसीलर लगा रही हूँ। गाइस मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ वही मेबेलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट के साथ। वही सेम मेबेलिन न्यूड का पैलेट और इसमें से वही ब्राउन शेड लूंगी जो मैंने हमारी क्रीज एरिया पे यूज किया था। मैं यहाँ मेरा आई लव मैट का SFR कलर का ब्लश। और अगर आप लोग फिर से यही कहेंगे गाइज कि मैं ये ब्लश बार बार यूज करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दिस ब्लश, इसकी जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है गाइज। अगर आप लोग
आपको अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा ब्लश चाहते हैं तो इसको भी खरीद सकते हैं। और मैं अपने एप्पल्स ऑफ चीक्स पे ब्लश लगाऊंगी, बिकॉज आप लोग अगर पिक्चर देखेंगे तो नेहा कक्कड़ जी ने भी बहुत अच्छे से ब्लश लगाया हुआ है, तो मैं भी लगाऊंगी इस तरीके से। अगेन मैं ये काजल ले रही हूँ और इससे अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ और अपर लैश लाइन को भी टाइट लाइन कर रही हूँ गाइस। थोड़ा सा स्मज कर लेंगे ब्लैक शेड की हेल्प से। और जो हम स्मज कर रहे हैं गाइस वो हम अपनी हाफ आई पे ही करेंगे। उसके बाद हम वही सेम शेड ले लेंगे जो हमने क्रीज में बफ किया था और इसको हम सेंटर में लगाएंगे। बिल्कुल गाइस इस तरीके से सेंटर में लगाना है। आगे की तरफ जो हमारे इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ मैं वही सेम गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ गाइस और इस तरीके से अपने गोल्डन शेड को लगा रही हूँ। आप तक देख सकते हैं इस तरीके से। फिर मैं अपनी आईब्रो बोन्स जो है उनको हाईलाइट कर रही हूँ। हमारी लास्टली ब्राउज, तो ब्राउज के लिए भी मैं वही सेम न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ गाइज। ये पैलेट बहुत ही मल्टीटास्किंग पैलेट है। अगर आप लोग इसके शेड्स देखेंगे गाइज तो क्या आप बस खाली स्मोकी आइज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग शेड रेंज देखेंगे तो आप लोग बहुत से लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये मल्टीटास्किंग पैलेट इसीलिए है गाइज क्योंकि आप इससे अपनी आईब्रो ब्लश एंड ऑल सब कुछ कर सकते हैं। इवन तो कॉन्टोर भी कर सकते हैं आप विद दिस ब्राउन शेड। तो मैं इससे अपनी आईब्रोज भी फिल कर रही हूँ आज। लगाऊंगी यहाँ ये मेरी Maybelline की लिपस्टिक गाइस और दिस इज इन द शेड मिड लाइट पिंक क्योंकि मेरे पास एंड दिस इज द शेड क्योंकि मेरे पास कोई उनके जैसा ऑरेंज न्यूड नहीं है, तो मैं इसी को बहुत लाइटली अपने फेस पे लगाऊंगी। रेड एंड वाइल्ड की द न्यूड्स लगा रहे हैं। क्या असली गाइज मैं यहाँ लगा रही हूँ बिंदी जो कि उन्होंने भी लगाई हुई है, तो मैं यहाँ अपने लाइनर से ही वो बिंदी क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। दिस इज द फाइनल लुक गाइज। अगर आप लोगों को मेरा ये नेहा कक्कर इंस्पायर्ड लुक पसंद आया हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। और मैंने यहाँ उनकी तरह ये जंग ज्वेलरी भी पहनी क्योंकि उन्होंने सॉन्ग में ये जंग ज्वेलरी पहनी है, तो या। और अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज कि ये लुक कैसा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुक गाइज। अगर आप लोग ये लुक किसी पार्टी के लिए भी कैरी करना चाहते हैं तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।